इलेक्ट्रॉनिक शॉप में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, ये सनसनायू का टीवी है, जो कि ये टीवी हाई वोल्टेज के कारण ये टीवी का देखिए पावर सप्लाई शॉर्ट हो गया था, तो हमें यहाँ पे पावर सप्लाई लगा दिए। 888 पावर सप्लाई यहाँ पे हमें इंस्टॉल कर दिए, और इंस्टॉल करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ का बैक लाइट जिसे लगाते हैं तो वहाँ सीरीज ऑन हो जाता है, जो जो कि हम कन्वर्टर सेक्शन बोलते हैं इसको, ये ऑन हो जाता था सीरीज बल्ब। इससे क्या होता कि हमारे बोर्ड में अदर प्रॉब्लम भी हो सकता था। तो देखिए, हमारे पास कैपेसिटर भी नहीं था, तो हम देखिए टीवी का कैपेसिटर लगाए हैं, ठीक है। और देखिए, बैक लाइट काम नहीं किया है, कन्वर्टर सेक्शन काम नहीं किया, तो देखिए हम यहाँ पर मॉड्यूल लगा दिए। देख सकते हैं, हम टीवी में बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत की इस टीवी में, जो कि हम इतना मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि ये टीवी ऐसा ही है ना कि हमें इसको रिपेयर करना पड़ा, नहीं तो हम नहीं करते, रिपेयर करना पड़ता है। तो देखिए, हम अभी टीवी में यहाँ पे मॉड्यूल लगा लिए हैं, कन्वर्टर मॉड्यूल लगा लिए हैं। ये कन्वर्टर मॉड्यूल देखिए हम यहाँ पे खोल के रख दिए जैक को, और अभी हम चेक करवा के दिखाएंगे। और इसका देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल जो है, आप इसमें 12 वोल्ट इनपुट कीजिएगा, और यहाँ से देखिए जो बैक लाइट को पैनल, रनिंग पैनल इसमें मिलता है, जो इसे पिक्चर के अनुसार ही आप इसमें ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ये बोर्ड उसको रन वोल्टेज देता है, समझ गए। अब हम अभी इसको चेक करवा के दिखाएंगे। तो अभी देते हैं इसको लाइट, तो यहाँ से एक लाइट वन कर लेते हैं, और यहाँ से हम लाइट को देते हैं और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट आ गया, और लाइट यह आ गया यहाँ पे। अभी हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करवाते हैं इसको। स्टैंड बाय से रिलीज़ करना, स्टैंड बाय से जैसे ही रिलीज होगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे एक चीज़। देखिए यहाँ पे स्टैंड बाय से रिलीज हो गया, तो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से। देखिए एक मेरे हाथ में अनेबल तार है, समझ रहे हैं, ये तार जैसे कि हमारा टीवी ऑफ है, जैसे ही ऑन किए तो अनेबल लाइट यहाँ से दे देंगे कहीं से 3.3 वोल्ट। और देखिए जैसे ही हम इसको टच कर रहे हैं, उसे ही देखिए लाइट आ रहा है, देख सकते हैं ये अनेबल वायर है, इसको आप 3 वोल्ट दे सकते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही तार को हम टच कर रहे हैं वैसे ही हमारा बैक लाइट ऑन हो गया। तो समझ गए कि हमारा बैक लाइट ओके हो गया, और हमारा मॉड्यूल। देखिए अगर आपको 5 वोल्ट नहीं मिले कहीं पे, आप 3.3 वोल्ट यूज कर सकते हैं, और कहाँ से मिलेगा ये 3 वोल्ट, आप तो चकमा खा जाएंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें 2 कलर का लाइट जलता है, तो आप यहाँ से अनेबल पिन को लगा सकते हैं, वायर को यहाँ से ठीक है। तो अभी हम स्टैंड बाय से रिलीज करवाते हैं और यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ से भी हम सिग्नल दे सकते हैं अनेबल करने के लिए। तो यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज करवाते हैं, तो अभी रिलीज हो गया। आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे वायर को सटाते हैं उसके साथ बैक लाइट जल जाता है, ऐसे उठाते हैं उसके साथ बंद हो जाता है, देख सकते हैं। यहाँ से लमसम 2 वोल्ट के आसपास, 1.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये टीवी क्लियर हो गया, बस हमें इसको पैकिंग करना है। हम यहाँ से ऑन करवाएंगे और देख सकते हैं कि हमारा पैनल में लाइट आया या नहीं आया। तो अभी हम स्टैंड बाय से रिलीज करवाते हैं इसको, स्टैंड बाय से रिलीज करना, देख सकते हैं स्टैंड बाय से रिलीज कर गया, और देख सकते हैं यहाँ पे ए भी लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इतना कलरफुल इसलिए नहीं दिखा रहा है कि हम सिर्फ एक ही स्टिक लाइट इसका ऑन किए हैं, और बाकी यहाँ पे जैक देख सकते हैं, यहाँ पे जैक खुला हुआ है, उस सब जैक को हम जोड़ लेंगे बाद में। इसलिए आपको दिखाने के लिए, आपको इस चीज़ का नॉलेज देने के लिए हम थोड़ा सा इसको नहीं लगाए, ठीक है। और ऐसा टीवी में इस प्रकार से कोई नहीं लगाया होगा जैसे मैं लगाया हूँ। देख सकते हैं कि बहुत सारा सामान इसमें लगाना पड़ गया, एक तो यहाँ मॉड्यूल लगाना पड़ गया पावर मॉड्यूल, प्लस में ये कैपेसिटर ख़राब हो गया था, ख़राब लाम दिखा रहे हैं कहाँ पे है, ख़राब हो गया था, और प्लस में यहाँ देख सकते हैं फ्यूज कट गया था इसका, और मॉड्यूल भी लगाना पड़ा, और इसमें बहुत सारा चीज़ लगाना पड़ गया, अब देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के एलईडी टीवी और कई सारा इलेक्ट्रॉनिक
सामान को रिपेयरिंग करते हैं और जो कि हम अच्छा तरीका से बताते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और इसी प्रकार के और नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।